नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूरं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च मंगलप्रभात मंगलप्रभात मेरे भी जीवन में हूँ मंगल प्रभात मंगल प्रभात मंगल प्रभात मेरे भी जीवन में हूँ मंगल प्रभात ओम चंद्रिका दूर बसे प्रभु ज्ञान मानु का ओम प्रकाश श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका इस ग्रंथ के माध्यम से जैन परिभाषाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। सैद्धांतिक जो परिभाषाएं हैं जिनागम में, पिछली कक्षा में हमने कार्मण वर्गणा और कार्मण शरीर ये दो परिभाषाएं पढ़ी थी। कार्मण वर्गणा किसे कहते हैं, एक साथ बोलिए। आवाज नहीं आई एक साथ। कार्मण शरीर किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, पिछली कक्षा से जुड़ेंगे तब तो गाड़ी आगे चलेगी। कार्मण वर्गणा और कार्मण शरीर में क्या अंतर है। कार्मण वर्गणा लोक में ठसाठस भरी है, तिल में तेल की तरह, वायुमंडल में ऑक्सीजन की तरह, यहां से बन गए तो ऐसे ही कार्मण वर्गणाएं तो ठसाठस भरी है।
लेकिन कारमण शरीर वो एक एक जीव के साथ में बंधा हुआ है। क्या कहा? कारमण शरीर एक एक जीव के साथ में बंधा हुआ है, उस जीव के साथ में उसका संश्लेष संबंध है, दूध पानी की तरह। जैसे ये दूध अलग है, पानी अलग है, दूध के अलावा पानी में कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन एक गिलास में दूध और पानी मिला दो तो अब क्या हो गया? वो अब एक भी चीज आप उठाओगे तो वो दूसरी भी उसके साथ आएगी। ऐसे ही कारमण वर्णना तो स्वतंत्र उद्गल स्कंद है, पूरे लोक में है, बराबर। लेकिन कारमण शरीर वो क्या है? वो एक एक जीव के साथ उसकी प्रॉपर्टी बन गई। जब हम मर के दूसरी गति में जाते हैं तो हमारे साथ कुछ जाता कि नहीं जाता? अरे काय को जाएगा, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा? कुछ मोहित आ गया, जा सजल आ गया बेटा, पीछे क्यों बैठे? क्या बोल रहे थे? हमारे साथ अगले भव में कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा? अर्पित क्या जाएगा? अच्छे बुरे कर्म। उत्तर सही दिया एकदम। टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो कारमण शरीर ये साथ में जाएगा, कर्मों से बना हुआ, आठ कर्मों से बंधा हुआ जो शरीर है वो साथ में जाता है। ये जो सुनना संविधान से बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, ये जो अपन दुनिया में विचित्रता देखते हैं, विचित्रता देखते हैं, कोई हिंदू का जन्मा, कोई मुसलमान किया जन्मा, कोई जैन साहब किया जन्मा, कोई निश्चय वालों किया जन्मा, कोई व्यवहार वालों किया जन्मा, ऐसे। अरे हाना तो करो कुछ, जोर से बोलो जरा। अंतर देखते हैं, कोई गरीब किया, कोई अमीर किया जन्मे। अरे एक माँ के पेट से दो बच्चे जन्मे, एक साथ जन्म थे, और एक पढ़ लिख के आईएएस अफसर बन गया, और एक पुरानी भाषा में कहे तो ढोर चरा रहा है, कपलेट धो रहा है। बोलो होता कि नहीं होता? अरे हाना बोलते क्यों नहीं हो, गलत बोल रहे हैं कुछ? क्या अंतर दिखता है? दो लड़कियां एक मुमुक्षु परिवार में ही, दो लड़कियां हैं, एक 20 साल की, एक 18 साल की, एक की शादी हो गई बढ़िया घर में और एक की। बोलो प्रश्न है कि अंतर क्यों है, ये अंतर क्यों है, ये अंतर किसके कारण से है? एक पूजा जा रहा है, एक के पास साधनों की कमी नहीं है, और एक परेशान है, हैरान है, खाने को नहीं है। होता नहीं होता? ये अंतर क्यों? ये चेहरों में अंतर क्यों? ये शरीर में अंतर क्यों? ये स्वास्थ्य में अंतर क्यों? ये ज्ञान में अंतर क्यों? उत्तर दो। ये शक्ति है, एक कर्म, कर्म शक्ति। स्वयं हुए जो कर्म सुभासो, स्वयं किए जो कर्म सुभासो, वो कारमण शरीर वो स्टॉक हो जाता है और वो उदय में आता है। जो जैसी करनी करता है, ये प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। ऑटो के पीछे, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, समय से पहले और भाग से कभी किसी को कुछ नहीं मिला। ये क्या कह रहे हैं? भाग मतलब क्या? ये कर्म रेखा, ये कर्म। कमाते कमाते जिंदगी निकल गई, कुछ जोड़ नहीं पा रहे, होता है? खूब कमाया और जरा में चला गया, लोग खा गए पैसे, दे ही नहीं रहे, बेईमानी कर ली, होता कि नहीं होता? सुनो, इसका कारण दूसरा नहीं है, आपका ही उपार्जित कर्म है। नोट कर लो, ये सिद्धांत निकला इसमें से।
आपको गरीबी मिली, अमीरी मिली, स्वास्थ्य मिला, अच्छा शरीर मिला, रोगी शरीर मिला, अच्छा वातावरण मिला, अच्छे मम्मी पापा मिले, देवशास गुरु मिले, इसमें दूसरों का कुछ भी नहीं है। यदि भारत को पाकिस्तान मिला है तो भारत का पाप कर्म का उदय है। क्या कहा? नहीं आ रहा समझ में? यदि आपको पड़ोसी बुरा मिला है तो कौन का है? यदि पत्नी आपको अच्छी मिली है तो कौन का कर्म का उदय है? यदि आपको अच्छा वक्ता नहीं मिला तो वक्ता को दोष मत देना। क्या कहा? यदि पंडित जी अच्छे नहीं मिले, अच्छे समझाने वाले नहीं मिले, डांटने वाले मिले, तो इसमें किसका दोष है? पंडित जी का? तो कौन का? हाँ? और वक्ता को अच्छे श्रोता नहीं मिले तो इसमें कौन का दोष है? अमित भैया का। आप लोग निर्दोष हो, ठीक है। इस कर्म फिलॉसफी को समझने से, कारमण शरीर को समझने से क्या फायदा हुआ? नोट कर लो, पूरी दुनिया से राग द्वेष समाप्त। वितराग का दुनिया के प्रति, कोई हमारा अच्छा बुरा करने वाला नहीं है, कोई काम बिगाड़ने वाला नहीं है, सुधारने वाला नहीं है। हाँ, प्रश्न आया है, कारमण शरीर ही आत्मा का घात करता है क्या? क्या उल्लंघन चाहिए था? सुनो, पहला उत्तर, आत्मा जो द्रवगुण पर्याय वाली जीव वस्तु है उसका तो कोई घात कर ही नहीं सकता। चेतन, चेतन और चेतना, बराबर। एक उत्तर। दूसरा उत्तर, जो मोहराग देश उत्पन्न होते हैं, जो दुख उत्पन्न होता है उसे घात कहा जाता है आगम में, लेकिन वो घात भी कर्म नहीं करते। यहाँ पर जो ज्ञान है अपने स्वरूप को नहीं समझता, तो अज्ञानता से राग द्वेष दुख उत्पन्न होता है, तो वो दुख भी कर्म के कारण नहीं होता, वो जीव की स्वयं की अज्ञानता गलती से होता है। क्या कहा? कर्म बिचारे कौन, कर्म क्या करेंगे? बोलो, दीवाल है और आप आंख बंद करके चलो और दीवार से सिर टकराए, माथा फूटे, खून निकले, दर्द हो, तो किसके कारण? पट्टी बंधी है तो लोग पूछेंगे क्या हो गया, बोले दीवार से सिर टकरा गया। इसका मतलब सारे दुनिया की दीवारें गिरा दो। दीवार खराब है, दीवार खराब है कि तुम आंख बंद करके चले, वो तुम्हारी गलती है। बात समझ आई? इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। अगले रविवार को उदयगिरी पर टिफिन पार्टी है। टिफिन पार्टी समझते सब? बोलते क्यों नहीं हो? टिफिन पार्टी समझते? टिफिन प्लास्टिक के डिब्बे है, टिफिन ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे, उसमें पराठा रख लिया, उसमें अचार रख लिया, बगल में नमकीन, एक मिठाई, ऐसे बच्चे को रोज देते कि नहीं देते? देखो देते ऐसे ऐसे, हाँ, गुड्डा गुड़िया है सब, बोल नहीं सकते, देते कि नहीं देते? देखो हमें भी गगन ले गए, नहीं ले गए पहले, वो भांजे भांजे भी ले जा रहे, नहीं ले जा रहे है, तो वो देते हैं उनको। तो टिफिन लेके गए सब अपने अपने घर से। प्रश्न है, किसके टिफिन में क्या निकलेगा? इससे सरल उत्तर नहीं, मतलब हो नहीं सकता ये कर्म फिलॉसफी का। सबके टिफिन में क्या निकलेगा उत्तर दो डॉक्टर साहब। ऐसे ही पिछले भव में आपने जो टिफिन में रखा था कर्मों के, इस भव में वो ही निकल रहा है। अगले भव में क्या निकलेगा? इस भव में जो रखोगे, लिखो,
इस भव में हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि कर्मों का टिफिन सारा खाली हो जाए। ये नोट करो, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य, हमें अब एक भी कर्म अपने टिफिन में नहीं रखना। धूप क्यों चढ़ाते हैं बोलो, फल क्यों चढ़ाते हैं मौसा जी, धूप क्यों चढ़ाते हैं? साता वेदनी कर्म टिफिन में रख लो, पुण्य कर्म रख लो, तीर्थंकर प्रकृति तो सबसे अच्छी है वो रख लो। नोट कर लेना ये दो तीन चीज बोली है। नहीं, कोई कर्म 148 प्रकृति में से हमें कोई सी प्रकृति नहीं चाहिए, कोई सा कर्म नहीं चाहिए, आठ कर्मों में से कोई सा नहीं चाहिए। देख लो ये इसका इसका भावार्थ हो गया, कोई सा नहीं चाहिए। कौन सी जेल की कौन सी सलाखों के पीछे कितने दिन की सजा चाहिए अर्पित? विदिशा की जेल की तिहाड़ जेल की अमेरिका की जेल, बोलो कौन सी जेल की कौन सी सलाखों के पीछे कितने दिन की सजा चाहिए? बोलो, चाहिए? ऐसे ही आठ कर्मों के बंधन में से कौन सा कर्म का बंध चाहिए बताओ? कोई से नहीं चाहिए। ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, आपने परिभाषा पढ़ी। और दूसरा, दुनिया में कोई सुख दुख देने वाला जन्म मरण का कारण, लाभ हानि का कारण नहीं है, तो किसी से भी राग और द्वेष नहीं, सबसे वितरागता। ये कारमण शरीर और कारमण वर्णा पढ़ने का ये फायदा, वितरागता की पोषकी। अभी जबलपुर में पंडित साहब का प्रवचन चल रहे थे, कल के प्रवचन में आया, कल मतलब जो सुना था, शास्त्र तात्पर्य और सूत्र तात्पर्य वितरागता है। क्या है? एक एक परिभाषा का तात्पर्य क्या है? वितरागता। वितरागता मतलब ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से है, किसी से राग द्वेष नहीं। लेकिन वो कब आएंगे? जब इन परिभाषाओं के मर्म को समझेंगे तब आएंगे। तो कारमण शरीर और कारमण वर्णा की परिभाषा पढ़ के क्या ज्ञान हुआ कि प्रत्येक जीव का लाभ हानि जीवन मरण सुख दुख जो कुछ हो रहा है उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, इनके कारण ऐसा हुआ, इनने काम बिगाड़ा। सुनो, इनके कारण लाभ हुआ, इनने उपदेश दिया तो ज्ञान हुआ, इनके कारण सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा भी नहीं। लिख लो, पंच परमेष्ठी की दर्शन पूजन भक्ति का विकल्प भी समाप्त। क्या कहा, क्या कहा? नहीं आया समझ में? समझ आ जाइए, प्रश्न तो पूछो कुछ। लिख लो, अज्ञानता पूर्वक ये ही हमारे उपकारी है, इनके कारण ही हमें लाभ हो रहा है, इनके कारण ही सम्यक दर्शन हुआ। लिख लो, ऐसा अनंतानुबंधी राग वीर भेद विज्ञान पूर्वक नहीं होता, होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके कारण कुछ नहीं हुआ, इनके कारण, समझ में आया? इनके कारण, नोट कर लो, सम्यक दर्शन यदि हुआ तो मेरे दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम के कारण हुआ, देव सात गुरु के कारण नहीं हुआ। एक साथ बोलो, क्या बोला? मेरे जो कारमण शरीर में जो दर्शन मोह की प्रकृति थी वो उपशम हुई तो सम्यक दर्शन हुआ। ये निमित्त निमित्त संबंध हुआ ना, कि दर्शन मोह का उपशम ये निमित्त और सम्यक दर्शन उत्पन्न होना ये नैमित्तिक, ये हुआ। अंदर अंदर का निमित्त नैमित्तिक, असली निमित्त नैमित्तिक। देव सास गुरु तो अनंत बार मिले, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म का
उपशम नहीं हुआ। विनोद भाई साहब, ये दो परिभाषा से ये चर्चा है, क्लियर हुआ? अब यदि अध्यात्म में जाएंगे तो ये कहेंगे कि दर्शन मोहिनी कर्म तो जड़ है, पुद्गल है, उसमें से थोड़ी सम्यक दर्शन हुआ। तो उत्तर इसका कि सम्यक दर्शन कैसे हुआ, कि कर्म का भी लक्ष्य छोड़कर आत्मा का लक्ष्य हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ। क्या कहा? किसका लक्ष्य हुआ? आत्मा का लक्ष्य। सुनो, आत्मा का लक्ष्य हुआ, लेकिन आत्मा का लक्ष्य हो, सुनना भी ध्यान से, लेकिन कर्म का उपशम ना हो तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता। इसको थोड़ा सा समझने के लिए अपने को और विस्तार करना पड़ेगा। जैसे बाहुबली मुनिराज ध्यान में कितने दिन रहे थे? बोलो, कितने दिन रहे थे? नहीं रहे, अंतर्मूर्त रह जाते तो केवल ज्ञान हो जाता। क्लियर हुआ? अब सुनो, वो सच्चे संत थे कि नहीं थे? थे। तो बार बार शुद्धोपयोग होता था कि नहीं होता था? होता था बराबर। अब देखो, शुद्धोपयोग बार बार हो रहा है, आत्मा की लीनता हो रही है, उतनी रमणता हो रही है। प्रश्न है, संजुलन कषाय क्यों नहीं मिट रही, अरंत अवस्था क्यों नहीं हो रही? तो वो कर्म का निमित्त नैमित्तिक, जब तक वो चार, मतलब जो संजुलन कषाय है, एक कषाय चौकड़ी, जब तक वो पूरे परमाणु नहीं झड़ेंगे जो कारमण शरीर में है, सत्ता में, तब तक केवल या नहीं होगा। ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा। हाँ, केवल यानी परमात्मा को चार घातिया कर्म संबंधी कारमाण शरीर हट जाता है, लेकिन अघातिया संबंधी कारमाण शरीर है। नोट कर लो, ये नया पॉइंट है। अनंत भगवान को चार घातिया संबंधी कारमाण शरीर तो हट गया, अक्षय अक्षत बराबर, लेकिन अघाती कर्म संबंधी है, चार अघाती कर्म संबंधी कारमण शरीर है, और जब तक वो रहेगा तब तक है। अब देखो, इससे भी सिद्ध हो रहा है कि घाती कर्म चले गए, अनंत चतुष्ट प्रकट हो गए, लेकिन अरबों साल, खरबों साल, असंख्यात वर्षों तक संसार अवस्था में है। क्यों है? उत्तर दो, चार अघाती कर्म का निमित्त है कि नहीं? जब तक ये नहीं मिटेंगे तब तक अरंत सिद्ध नहीं बन सकते। अब तो कोई कमी नहीं है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत बल प्रकट हो गया, पूरा पुरुषार्थ प्रकट हो गया, कोई कमी है पुरुषार्थ में? बोलो, अनंत भगवान को पुरुषार्थ में कोई कमी है? नहीं है। सिद्ध क्यों नहीं बन रहे? पर्याय की योग्यता से कहेंगे तो वो पर्याय की योग्यता, लेकिन जब निमित्त नैमित्तिक संबंध बताएंगे तो चार अघाती कर्मों का जब तक उदय है तब तक सिद्ध दशा नहीं आएगी। ये आ गया कारमण शरीर। क्लियर हो रहा है सबको? कारमण वर्णा और कारमण शरीर, क्लियर हुई परिभाषा? कारमण वर्णा की परिभाषा एक साथ बोलो, परिभाषा जो बताई है, वो जो लिखी है, कारमण वर्णा किसे कहते हैं? अंकुर बोलो, लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे विजेता। कारमण वर्णा वे पुद्गल स्कंद जो कारमण शरीर रूप परिणमित होते हैं, इतनी सरल परिभाषा है। बोलो एक साथ, कारमण शरीर किसे कहते हैं?
ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के समूह को क्या कहते हैं? सुनो सुनो, कारमण वर्णा में आठ कर्म नहीं है, लेकिन जो कारमण शरीर हो जाता है उसमें आठ कर्म होते हैं। नोट करो अंतर, परीक्षा में आएगा ये। कारमण शरीर और कारमण वर्णा में क्या अंतर है? अंतर, कारमण वर्णा वो सिर्फ पुद्गल स्कंद है, उसमें आठ कर्मों का डिवाइडेशन नहीं है, और जो कारमण शरीर है, कारमण शरीर उसमें क्या है? आठ कर्मों का अलग अलग डिवाइडेशन है। विनोद भाई साहब एग्जाम्पल लिखो उसके साथ में। अगला जो प्रश्न पत्र होगा आपका, उसमें आएगा दृष्टांत सहित सिद्धांत बताइए डॉक्टर साहब। और जितने लोग बैठे हैं हमें छोड़ के, और विनोद भाई साहब को छोड़ के, और मुकेश भाई साहब को छोड़ के, सबको पेपर देना कंपलसरी है, तीन को छोड़ के। क्या कहा? दृष्टांत से सिद्धांत समझाइए। लिखो दृष्टांत, जैसे एप्पल, एप्पल होता है सेव फल, तो एप्पल है कारमण वर्गणा। क्या कहा? दृष्टांत, सेव फल क्या है? कारमण वर्गणा। और सेव फल खाया तो खाने के बाद वो अंदर सात धातुओं में बदल गया, होता कि नहीं होता? अरे बोलो तो। एक एप्पल और अंदर क्या होता है? कोई परमाणु खून बन गए, कोई मांस बन गए, कोई हड्डी बन गए, होता कि नहीं होता? अरे पानी अकेला आप पियो तो पानी भी सात धातुओं में बदल जाता है। शरीर विज्ञान है ये, साइंस का एग्जांपल दे दिया। ऐसे ही कर्म वर्गणाएं हैं, एक कर्म वर्गणाएं, और जैसे ही जीव का विकारी भाव होता है वो कर्म वर्गणा कारमाण शरीर रूप हो जाती है, और वो कर्म वर्णाएं कारमाण शरीर रूप होती है, और आठ कर्मों में उनका डिवाइडेशन हो जाता है। कितने कर्मों में? आठ कर्मों में। कोई कर्म वर्णा के परमाणु ज्ञानावरणी कर्म रूप हो जाते हैं, कोई दर्शनावरणी कर्म, कोई अंतराय कर्म, कोई वेदनी कर्म, कोई कारमाण जो वर्णा थी कितने कर्मों में बदल गई? आठ कर्मों में, आठ तरह के उसके रूप हो गए। लीलाधर कर्म ही तो लीलाधर है, कभी तेज धूप, कभी बादल, कभी पानी, है कि नहीं? मौसम देख लो बाहर, कभी गर्मी कभी ठंड आ गई, ये प्रकृति रंग बदलती है। बस ऐसे ही अंदर में कारमाण वर्गणा अलग, और जैसे ही आत्मा के विकारी भावों का निमित्त मिला वो वर्गणा यहीं पे है, वो कारमाण शरीर रूप बदल गई, और शरीर रूप जैसे ही हुई उसका क्या हुआ? आठ भागों में डिवाइडेशन हो गया, जिसे अपन आठ कर्म कहते हैं। लिख लो, वे आठ कर्म कारमण शरीर कहलाते हैं, या कारमण शरीर को ही आठ कर्म कहते हैं। सरल हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ये परिभाषाओं में चीज नहीं है इतनी, न दृष्टांत दिए। बराबर आगे, हाँ, जो कर्म वर्गणाएं थी वो एक यूनिट थी। अब जीव के विकारी भाव हुए, राग द्वेष मोह पुण्य पाप, खाना पीने का भाव, दर्शन पूजन के भाव, जो भी भाव होते हैं, तो उन भावों के निमित्त से जो कर्म वर्णाएं जीव के प्रदेशों के साथ एकमेक हुई, तो एकमेक होते हुए ही वो आठ रूप से वर्गीकृत हो जाती हैं। उसको कारमण शरीर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कारमण शरीर। इसका मतलब क्या हुआ? कारमण शरीर वो आठ कर्म की यूनिट है। क्लियर? सरल हो गया एकदम। कारमण शरीर क्या है? वो आठ कर्मों का वो डिवाइडेशन। अभी अपन कह रहे हैं
बराबर बराबर कार्मण वर्गणा अभी हो नहीं गई, उनमें ऐसी योग्यता है कि वो कार्मण शरीर रूप होती हैं, बराबर हाँ वो कर्म वर्गणा ही है, वो सिर्फ वर्गणा है बराबर। कर्म वर्गणा कहेंगे हाँ। अब आप पिछली क्लास में भी आपका ये प्रश्न था, क्लियर नहीं हुआ ना। आप ऐसा समझो कि जो स्वतंत्र यूनिट है वो कर्म वर्गणाए है, वो कार्मण वर्गणा है वो बराबर। अब वे ही वर्गणा कार्मण शरीर रूप परिणमित होती है, लेकिन कब होती है? विकारी भाव का निमित्त बनता है। नहीं, जरूरत क्या है, इससे ही काम हो रहा है ना, अलग की जरूरत ही नहीं है। असल में आप क्या जोड़ रहे हैं कि इनको अलग कहो और जो परिणमित हो रहे हैं उनको अलग कहो, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ तो वो उनका नाम हो गया कि जो होते हैं। अब अपन वो जोर डाल रहे हैं कि जो होते हैं, और दूसरा ज्ञान अपना क्या काम कर रहा है कि जो नहीं हो रहे। अपना ज्ञान क्या काम कर रहा है? जो नहीं हो रहे। लेकिन आप ऐसा मत देखो, आप तो ये देखो कि कर्म वर्णाएं हैं। पहले तो यूनिट्स भरी है पूरे लोक में ठसाठस, अब उन वर्णाओं में जीव का भाव का निमित्त पाकर वे ही वर्णा कार्मण शरीर रूप परिणमित हो जाती है। इतना आप लोग देखो, अभी इसकी अभी सूक्ष्मता और देखो। जहां पर हमारा जीव है, सब में है कि नहीं? संजय भैया लुक हियर, सब में अपना जीव है कि नहीं? यहां पर बोलो है, ठीक। एक मेरा पूरा जीव, पूरे शरीर प्रमाण, ठीक है। सुनो, कल सुबह की चर्चा, एक खून की बूंद, उसमें असंख्यात जीव है कि नहीं? बैक्टीरिया वायरस बोलो है। तो अपना यहीं पर जीव, यहीं पर दूसरे जीव असंख्यात, उसी एक 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 पॉइंट पर कितने जीव, वहीं पर कर्म वर्णाएं। तो कर्म वर्णाएं भी असंख्यात, वहीं पर उनके यूनिट्स। तो एक जीव के साथ अलग, एक दूसरे के साथ अलग, तीसरे के साथ अलग, उन्हीं प्रदेशों पर। तो कर्म वर्णाओं की भी सूक्ष्मता कितनी, कुछ समझ में आई अब बात और नहीं? क्या हाँ, पैरासाइट हो गए ना। तो हम और आपकी तरह वो जीव है, उनकी सूक्ष्म अवगाहना है। बताना ये है कि वहां पर कर्म वर्णाओं के भी इतने यूनिट्स हैं कि सब जीवों के साथ अलग अलग बन रहे हैं, ये कहना है। अब समझ में आ गई बात? तो कितनी यूनिट्स है, मतलब एक ही पॉइंट्स पर असंख्यात कर्म वर्णाओं की यूनिट्स हैं और सब अलग अलग जीवों के साथ में बंद रही है। और क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? कितनी सूक्ष्मता। इधर देखो, हम ऐसा समझ रहे हैं कि जहां पर हम हैं वहीं पर एक कर्म वर्णाओं के होंगी, एक नहीं है, कितनी? असंख्यात असंख्यात, अलग अलग। तब तो वे अलग अलग जीवों के साथ में कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। और सुनो, जहां सिद्ध भगवान है इतने ही आकार, उतने ही आकार में अनंत सिद्ध, और उतने ही आकार में अनंत 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 निबोधिया जीव। कहां पर? सिद्ध क्षेत्र में, सिद्धालय में। क्या कहा? वो तनुवात वलय में, जितने आकार के आप बैठे हो उतने आकार के अनंत सिद्ध, और वहीं पे अनंत अनंत कर्म वर्गणाए। और जैसे इतने आकार के आप हो और बीच में एक एक निबोधिया जीव, एक एक अनंत जीव निबोधिया, और वहां पे कर्म वर्णाए है कि नहीं?
और एक एक निवोदिया जीव के साथ में बन रही कि नहीं बन रही, और अलग अलग बन रही कि नहीं बन रही, तो कारमण वर्णाएं कितनी हो गई, कितनी बोलो आप, तो वे स्वतंत्र है कि नहीं सब वो वर्णाएं। और जीव के साथ उनका जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कारमण शरीर बन जाता है और आठ कर्मों में उनका डिवाइडेशन होता है। ये नोट कर लो, जैसे एप्पल अंदर गया, अपन अभी एग्जाम्पल में ही समझना है, वो सात धातुओं में परिवर्तित हो जाता। क्लियर? एक रोटी खाई, होती कि नहीं होती? बोलो, जो गरीब क्या करते हैं, नमक और रोटी। आप देख लो सैकड़ों खेती वाले मजदूर क्या करते हैं, ले गए अचार और रोटी खाते हैं। आपके मजदूर आते हैं बस, वो कैसे हट्टे कट्टे मजबूत होते कि नहीं होते, समझ में आया? तो वो जो जो हड्डी उनकी मजबूत हो रही है, खून है, चमड़ी है, वसा है, तो वो किससे किसका प्रोडक्ट हुआ, वो रोटी और अचार का ही हुआ पूरा। ऐसे ही कर्म वर्गणा और उसका डिवाइडेशन किसमें, कारमण शरीर में, वो आठ कर्मों से बना हुआ है। क्लियर? आज की चर्चा में अभी तक क्या क्या आया, क्या क्या आया, कर्म वर्णा अलग चीज है और कारमण शरीर अलग चीज है। कर्म वर्णा लोक में ठसाठस भरी है और कारमण शरीर प्रत्येक जीव के साथ में बंधा हुआ है। नहीं, स्वतंत्र, यही बताना है। इधर देखो, इधर देखो, जीव के साथ जो अटैच है उन्हें कारमण शरीर बोलेंगे, और जो स्वतंत्र है उसे कर्माण वर्णा बोलेंगे। ये अंतर है, वो ही हम बता रहे हैं आपको। राजगीर का लड्डू माताजी बना रही हैं, देखा होगा बनते, कौन ने नहीं देखा, हाथ खड़ा करो। अरे आपको छोड़कर राजगीर का लड्डू खाया है? अब खाया भी है तो बिचारी को होश नहीं है, ऐसे ही अज्ञानता है, और ऐसा हो नहीं सकता उसने नहीं खाया हो। जाके चाचा जी खाया कि नहीं खाया, मतलब आपने उसे अभी तक खिलाया नहीं है, हमारे भेज देना आज, ये हम लड्डू भेज देंगे, हमने कल ही शाम को खाए थे, दो रखे होंगे, दो खाए थे। तो राजगीर का लड्डू बनते हैं वो परात में, राजगीर तो बन रहे हैं, तो उसमें एक दाना गिर गया, तो एक दाना जो गिरा है ना अलग, वो क्या है अभी दृष्टांत में, वो वर्णा, और जो बंदा वो क्या है। क्लियर हुआ? ऐसा तो ऐसे ही कर्म वर्णाएं अलग अलग यूनिट, 23 तरह की वर्णा इस लोक में है अलग अलग, उद्गल परमाणुओं के स्कंध। इस शरीर में जो चमक है ना डॉक्टर साहब, वो तेजस वर्णा अलग उद्गल परमाणुओं की यूनिट्स है, जो चमक है शरीर में, और ये चमक वाला शरीर कारमण शरीर के साथ में जाता है, नोट कर लो। अगला प्रश्न यही है, साथ में जाता है, ये जो दिखने वाला शरीर है जिसे औदारिक शरीर बोलते हैं, आहार वर्णा से बना हुआ, ये नहीं रह जाता है, जल जाता है, लेकिन कारमण शरीर और तेजस शरीर ये दोनों शरीर साथ में जाते हैं। तत्वार सूत्र में सूत्र है अनादि संबंधे चा, इन दोनों का अनादि से संबंध है जीव के साथ, और जब तक सिद्ध नहीं बनेंगे ये दोनों शरीर साथ में रहेंगे। कौन कौन से दो शरीर? कारमण शरीर और तेजस शरीर। नोट करो, कारमण शरीर तेजस शरीर तो साथ रहेंगे, लेकिन इनमें पुद्गल परमाणु आते जाते रहेंगे।
खुदगल परमाणु वही के वही नहीं रहते, उनमें अप डाउन आना जाना चलता रहता है। परंपरा से शरीर साथ चलता है, परंपरा से। कितनी चर्चा है बोलो अब आप, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ हाँ ठीक है। चाचा जी बार बार एक चीज बोल रहे हैं, अभी भी बोली सबसे लास्ट में, 23 तरह की वर्गणाएं हैं, उनमें एक कार्मण वर्गणा है, वो स्वतंत्र रूप से इस लोक में रहती है, अलग अलग उसके यूनिट्स हैं, सदा रहते हैं, और उन्हीं वर्णा में से कोई वर्णा जीव के निमित्त पाकर जीव के साथ संबंध बना लेती है, उसे कार्मण शरीर कहते हैं। देखो इसी को कहते हैं कि अपना ज्ञान किसको छू रहा है, भरे गिलास को छू रहा है आधे कि आधे खाली को छू रहा है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? राम में और सीता में क्या संबंध है बोलो? अरे हम बता रहे हैं, राम में सीता में क्या संबंध है? पति पत्नी का संबंध है। राम में और सीता में क्या संबंध है? पति पत्नी का। लेकिन यदि कोई राम में और सीता में क्या संबंध है? पत्नी पति का। उल्टा हो गया पूरा, बोले हुआ कि नहीं हुआ? ये समझने का अंतर पड़ रहा है। ठीक है, हमारे क्लिनिक पे आना, समझा देंगे अलग से। हम क्यों नहीं उतर रही कि वो उस असल में क्या होता है कि यदि पीलिया हो गया और तो सफेद वस्तु भी, वो एंगल एंगल वो जम जाता है ज्ञान में, वो एंगल असल में। नहीं, इनका प्रश्न अलग है। इनका प्रश्न ये है कि कार्मण वर्णा तो अलग है एक, और फिर उन वर्णाओं में भी जो शरीर रूप परिणमित होती हैं वे अलग हैं, ऐसी दो अलग अलग कहो, उनका ये है। ऐसा नहीं है, आप पहले आप देश ही नहीं देख रहे। पहले सबसे पहले तो आप शांति, एक कोई सुनो, आपस में बात मत करो, ये कहना है। पहले तो आप अपनी ज्ञान में स्थापित करो कि 23 प्रकार की वर्णाएं स्वतंत्र रूप से लोक में भरी हैं। क्लियर हो गया? उसमें कार्मण वर्णा भी है, और वो अलग अलग यूनिट्स पूरे लोक में ठसाठस है, अलग अलग, एक ही नहीं है वो। अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर कर्म वर्गणा बनी है। क्लियर हुआ? अलग 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 अलग, जैसे एक राजगिर के लड्डू, दो राजगिर के लड्डू, तीन ऐसे लड्डू है कि नहीं डिब्बे में, ऐसे ही कर्म वर्णाएं भी अलग अलग पूरे लोक में वर्गणाएं, परमाणु नहीं वर्गणाएं, और उन वर्गणा में से जीव का परिणाम का निमित्त पाकर कोई वर्गणा कोई सी अलग अलग, जैसे यहीं पर असंख्यात वर्णा है, सब नहीं, कोई कोई वर्णा को जीव के साथ, हम जीव के साथ, दूसरे जीव के साथ, तीसरे जीव के साथ, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, वो स्वतंत्र है उसका। देखो चर्चा तो अच्छी चीज है, जैसे और खुलता है। इधर देखो, दो कील, तीन कील, चार कील, ऐसे कीलों की यूनिट्स ऐसी तार से बनी है। डिस्टेंस समझ में आ रहा है? कील लोहे की कील है या लोहे की कोई चीज है,
दो कील, चार कील, छह कील, ऐसी अलग अलग यूनिट्स ऐसी पड़ी हैं। यहां पर हमने चुंबक ली और चुंबक के निमित्त से जो खींचने की योग्यता थी, देखो आप देख लेना, सब नहीं खींचेंगे, खिंचके इससे चिपक गए सब नहीं, तो वो यूनिट्स है कि नहीं अलग अलग, दो कील वाली, चार कील वाली, तो ऐसी ये कर्म वर्णाओं के यूनिट्स हैं। और विकारी भाव चुंबक है, क्या कहा जिनवाणी में लिखी है, विकारी भाव क्या राग देश के परिणाम, ये चुंबक है, तो इनका निमित्त पाकर वो कर्म वर्णाएं, वो कीले वो खिंच के पक जाती, सरल हो गया। बस इसको कह देते हैं जो जीभ के साथ चिपक गए कारमण शरीर, और अलग अलग यूनिट से वो क्या है कारमण वर्ण। मेरे ख्याल से इससे सरल दृष्टांत नहीं हो सकता, ठीक है, बराबर। ये जो स्वतंत्र वर्ण है इसको बोल रहे हैं कारमण वर्ण, और इनमें योग्यता है कि वो कारमण शरीर रूप परिणित हो सकते हैं, बस इन सबको ही बोल रहे हैं, वो जो हो रहे हैं उन्हें नहीं डॉक्टर साहब, सबको ही। ये आपका उत्तर है, जो भी कर्म वर्णनाएं हैं जिनमें कर्म कारमण शरीर रूप परिणित होने की योग्यता है उन सबको कर्म वर्णना कहते हैं, और जो वर्णना कारमण शरीर रूप हो गई अब उनको क्या कहेंगे कारमण शरीर। अब ये आचार्य होगी हम क्या बदलेंगे, बहुत अच्छा। यदि यदि ऐसा भी लिखा है और आप समझ रहे हैं तो ये भी राइट है, ऐसा ही है। देखो आपने अर्थशास्त्र की परिभाषाएं पढ़ी तो अर्थशास्त्र की परिभाषा, जैसे मुद्रा की परिभाषा, तो 10 अर्थशास्त्री तो मुद्रा की परिभाषा 10 आती कि नहीं आती, अरे आती कि नहीं आती। तो ऐसे ये भी अलग अलग आचार्य भी ऐसे ऐसे भी परिभाषा लिखते हैं। अब क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। हर जगह ऐसे ही लागू होता है, हर जगह, ठीक है। तो इस तरह से कारमण वर्गणा और कारमण शरीर, क्लियर। क्या अंतर है दोनों में, कर्म वर्गणा स्वतंत्र है, भिन्न है, अलग अलग भरी है लोक में, लेकिन कारमण शरीर किसे कहते हैं, जो जीव के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक चीज हो गई। दूसरा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हम हिले तो यहां पर अनंत कर्म वर्णा की यूनिट्स हैं, वो नहीं हिली, लेकिन जो कर्म वर्णा जो कारमण शरीर रूप हो गई वो हिलेंगी, अगली गति में साथ जाएंगी, ये कारमण शरीर जिसका जीव के साथ रिलेशन बन गया, क्लियर। दृष्टांत, ये लड़का ये लड़की, अभी बात नहीं हुई शादी की, पक्की भी नहीं हुई, क्या रिलेशन है, पड़ोस में ही रह रहे हैं आमने सामने, कोई संबंध नहीं, लेकिन शादी की बात चली और पक्की हो गई, अब क्या हुआ, अभी अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बात पक्की हो गई, चली नहीं, अब क्या हो गया, बोलो, अब रिलेशन, पक्की में ही रिलेशन और सगाई हो गई और छह फेरे हुए अभी और डाकू ने वो गोली मार दी पुरानी फिल्मों में वो गांठ में, क्या हुआ, कुछ नहीं, लेकिन सात फेरे हो गए तो अब पक्की, क्लियर हुआ। तो ये रिलेशन बन गया पति पत्नी, पति पत्नी, अब इनका सिर दुखेगा तो, अरे बोलो तो, अब इनका दुखेगा तो, अच्छा ऐसे ही स्वतंत्र कर्म वर्णाओं से जीव का कोई संबंध नहीं है, लेकिन कारमण शरीर में जो वर्णाएं हैं उसका उदय आता है तो पाप पुण्य का उदय, बीमारी, संयोग, रोग शोक, धन आना जाना, अंदर में राग द्वेष के परिणाम होना, वो कारमण शरीर जो है ना शरीर, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से नाटक होता है, ये संबंध है कर्म वर्णा और कारमण शरीर में, ये अंतर अंतर। पार्श्वनाथ मुदराज पे भी वो लेसो लेकर रहे हैं, क्यों,
क्योंकि वो उनका कारमण शरीर, उसका वो कर्म प्रकृतियों का उदय उदय, ये दोनों में अंतर हो गया। इससे अपन ने रिजल्ट क्या निकाला था, रिजल्ट ये निकाला था कि दुनिया में हमें कोई भी सुख दुख लाभ हानि देने वाला जीवन मरण का कारण नहीं है। लिख लो, ग्रीत मिथ्यात् का अभाव, नींबू मिर्ची का अभाव, काला तिला तिट्टी का लगाने का अभाव, बच्चों को हाय पहनाने का अभाव। नहीं मुंह चुके पर भाई हाय पहना दो, अरे जीते ही पहनाओ ना, पहनाना है तो हाय पहना रहे, क्या पागलपन है। कोई इमली वाले बाबा के पास भाग रहा है, कोई टोड़ी फतेहपुर, कोई कहां भाग रहा है पठा, कोई रायगन की दरगाह, और ज्यादा चले तो महावीर जी, और ज्यादा चले तो चंद्र पर भगवान की टोकई कोली कर दो, और बहुत ज्यादा चले तो अभी नीचे चल रहा था ये लौंग ले जाओ, गंधोदक ले जाओ, घर में छिड़क देना, दुकान में छिड़क देना, अभी नीचे डॉक्टर साहब सुना था आपने, नहीं सुना, नीचे बहुत चल रहा था अभी कुछ दिन नाटक, ये गंधोदक ले जाओ उन्हें पिला देना, बोल रहे थे बड़े बड़े लोग। बोलो आप, ये सारे ग्रीत मिथ्यात् का अभाव, लिख लो अग्रहित का भी अभाव। कैसे अभाव अग्रहित का, कि मैं तो आत्मा हूं और मुझे कर्म वर्णा और कारमण शरीर कुछ नहीं छूता, ये सब कहां रहता है, सब बाहर में, मैं तो निष्कर्म तत्व हूं। ऐसा जानकर कर्मों से भी राग द्वेष नहीं, लिख लो किससे नहीं, क्योंकि वो जड़ की शक्ति है, पुद्गल है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से इन परिभाषाओं को समझने से ग्रीत और अग्रीत मिथ्यात्म का, दूसरे से राग द्वेष का, दोषारोपण का अभाव। बस सीता जी का एग्जाम्पल लिख लेना, सीता जी का एग्जाम्पल, सीता जी का जंगल में कौन ने निकाला, धोबी ने, रामचंद्र जी ने, सेनापति ने, तो कर्मों को याद करके उनसे राग द्वेष नहीं, और फिर अरे ये कर्म भी तो जड़ है, ये मेरा क्या करते हैं, मैं तो निष्कर्म आत्मा हूं, तो कर्मों से भी राग द्वेष नहीं। एक सीता जी के एग्जाम्पल से इसमें सब चीजें लगा लेना, ठीक है।